क्या किया है, हमने वाटर ले लिया है 100 ml, ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं कि कणों के बीच में क्या रिक्तता होता है या नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए हमने लिया है थोड़ी सी शक्कर, ठीक है। शक्कर को हम डाल देंगे इसमें, और जब हम शक्कर को इसमें डालेंगे देखेंगे क्या इसका लेवल जो है वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ठीक है। कोई बच्चा आ रहा हो यहाँ पे जो इसको स्ट्रेन करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें चीनी को घोला है। अब चीनी घोलने के बाद जब हमने 100 ml वाटर लिया है तो अभी भी आप देख सकते हो कि इसका जो लेवल है वो कितना है, 100 ml ही है। इसका मतलब कि जो पानी था उसके बीच में भी, उसके जो कण थे उसके बीच में भी रिक्तता प्रेजेंट था। चीनी को मिलाया तो क्या हुआ, वो चीनी के जो कण थे उन पानी के कणों के बीच में आ गए, तो इसका मतलब है कणों के बीच में रिक्त स्थान